हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर्स जीके। आज 4 फरवरी 2019 की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वायरल की प्रॉब्लम के कारण आज का ये वीडियो लेट अपलोड होने के लिए हमें खेद है और मैं इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। दैट 20 सेकेंड्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स विल बी सेट अप इन मैनथी विलेज इन द रेवाड़ी हरियाणा। फॉर दिस 220 एकड़ ऑफ लैंड हैज बी आल्सो बीन आइडेंटिफाइड। इट वॉज मैंशनड बाई इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ड्यूरिंग द बजट स्पीच। मीनवाइल पीयूष गोयल सेड दैट देयर आर ए टोटल ऑफ 21 एम्स इन द कंट्री आउट ऑफ 14 एम्स हैज बीन अनाउंस्ड आफ्टर 2014। देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हरियाणा के रेवाड़ी में मनेठी गांव में की जाएगी। इसके लिए 220 एकड़ की भूमि भी चिन्हित की गई है। इसका जिक्र बजट भाषण के दौरान अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। इस दौरान पीयूष गोयल ने कहा कि देश में कुल 21 एम्स है, इनमें से 14 एम्स की घोषणा 2014 के बाद की गई है। नेक्स्ट, द बिहार गवर्नमेंट सेट हैज अप्रूव्ड ए फाइनेंशियली वीकर सेक्शन फॉर 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। दिस डिसीजन वाज टेकन एट द कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सरकारी नौकरी तथा शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। जर्मनी, फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम हैव स्टार्टेड ए पेमेंट चैनल कॉल्ड इंस टैक्स विद ईरान। विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल द बिजनेस विल कंटिन्यू डिस्पाइट US सैंक्शंस। जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान के साथ INS टैक्स नामक पेमेंट चैनल शुरू किया है। इस चैनल की सहायता से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी व्यापार जारी रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति। ऋषि कुमार शुक्ला, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ मध्य प्रदेश पुलिस, हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो CBI। He is the IPS officer of Madhya Pradesh cadre of 1983 batch. मध्य प्रदेश पुलिस के पूर्व महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 1983 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS अफसर हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह था आज का करंट अफेयर्स जो कि आपकी करंट न्यूज है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशंस चैनल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।